और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, आंध्र प्रदेश से यह खबर सामने आ रही है, जहां नेल्लौर से यह खबर है कि कोरोना संकट के बीच में भारी भीड़ यहां जमा हो गई थी और तस्वीरों को भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोगों की भारी भीड़ यहां देखने को मिली है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ देखिए लोग नजर आएंगे, जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं, हजारों की भीड़ एक जगह पर जमा हो गई है बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, यहां देखिए किस तरीके से कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, चेहरे पर लोगों के मास्क जरूर है लेकिन कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। ये भीड़ देखिए डराने वाली भीड़ है, कोरोना विस्फोट भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी और बहुत सारे लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव निकल सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक व्यक्ति संक्रमित है या हुआ तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि कितने सारे लोग कोरोना की जद में आ सकते हैं, हजारों की भीड़ एक जगह पर जमा हो गई। दरअसल बताया जा रहा है कि एक आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाला कोई शख्स कोरोना के इलाज का दवा बनाने का दावा कर रहा है, इसी वजह से यहां पर लोग जुटने शुरू हो गए और देखते ही देखते हजारों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने देखिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया है और इतनी भीड़ यहां हो गई कि सुरक्षा बलों को यहां बुलाना पड़ा, सुरक्षा बल यहां पर आए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। और ये महामारी के दरमियान जहाँ एक तरफ बार बार लोगों से अपील किया जाता है कि चेहरे पर मास्क, दो गज की दूरी बहुत है जरूरी, लेकिन यहाँ देख लीजिए आप किस तरीके की तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है। नेल्लौर में कोरोना विस्फोट संभव है क्योंकि ये भीड़ आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं लोगों की कितनी संख्या इनकी है और इस महामारी के दौर में ये लोग भीड़ में, कोरोना विस्फोट कभी भी हो सकता है यहाँ। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है एमपी के भिंड में, जहां कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई है। कोरोना संकट के बीच में एक बर्थडे पार्टी में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है और यहां बिल्डिंग से लेकर के घर के सामने हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। दरअसल ये बताया जा रहा है कि भिंड के एक देखिए ये तस्वीर आपके सामने है कि कितनी ज्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। शुक्लपुर गांव में एक बर्थडे पार्टी थी और इसी में ये जमावड़ा लगा और यही नहीं, इस पार्टी में लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया है और कई लोगों के हाथ में बंदूक और राइफल भी आपको नजर आएंगे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे भीड़ का जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है और लोग बंदूक भी लहरा रहे हैं। वो सर्कल में हम आपको दिखा रहे हैं कि राइफल लोगों के हाथ में यहाँ पर नजर आ रही है। खबर है कि इस दौरान जमकर के फायरिंग भी हुई है यहाँ और यही नहीं, यहाँ डाकों के समर्थन में नारेबाजी भी किए जाने की खबर सामने आ रही है इस बर्थडे पार्टी में। तो भिंड में हो सकता है कोरोना विस्फोट, लगातार ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देश में हजारों हजार लोग जान गंवा रहे हैं एक दिन में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें इसी देश के दूसरे कोने से, भिंड से एमपी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर लोग देखिए एक बर्थडे पार्टी में शामिल हो रहे थे, घर में भी जगह नहीं, लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, हर तरफ आपको सिर्फ लोग ही लोग इसमें नजर आएंगे, किसी के हाथ में राइफल तो किसी के हाथ में देखिए यहाँ किस तरीके से गन लेकर के लोग लहराते नजर आए, फायरिंग भी की गई है। और ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कोरोना गाइडलाइंस की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही है, भीड़ के बीच में लहराए गए हथियार भी खुलेआम। और आज वाराणसी के डॉक्टरों और फ्रंटलाइंस वर्करों के साथ बैठक के दौरान पीएम मोदी ने संवाद जब किया था तो पीएम मोदी ने कोरोना की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है उनका जिक्र भी किया। इस दौरान पीएम मोदी थोड़े भावुक भी हो गए, क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए एक बार फिर आपको सुनाते हैं। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है, मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं।
ये वक्त ही ऐसा, इसीलिए बार बार यही गुजारिश की जा रही है कि मास्क और दो गज की दूरी बहुत जरूरी है। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, ऐसी गलती आप मत कीजिए जो कभी भी आप पर बन सकती है और आपके परिवार की भी जान ले सकती है।